अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी वॉशिंग मशीन पर है। जो ये मेरे पास वॉशिंग मशीन है, इसमें फॉल्ट आ रहा है। तो इसमें फॉल्ट ये आ रहा है, जो इसका ड्रेन पाइप है उसमें से पानी लीक हो रहा है। यानी कि जब ये मशीन पानी लेती है तो वो पानी थोड़ा थोड़ा ड्रेनिंग पाइप से निकल रहा है। तो इसमें एक वॉल्व टाइप का होता है और इस वॉल्व के अंदर कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से ये पानी लीक करने लग जाती है। तो ये मैंने इसका पीछे का कवर हटा लिया है और ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक चूड़ी होती है, जो कि हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारी खुल जाएगी। तो ये मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये खुल गई हमारी। इसको खोलने के बाद हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये आराम से निकल जाएगी। इसके ड्रम के अंदर थोड़ा बहुत पानी था तो वो यहाँ से निकल रहा है। तो ये हमारा खुल गया है और अब हम इसको थोड़ा बाहर की तरफ खींचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो रबड़ है वो काफी गंदा हो रहा है और हम इसको भी साफ करेंगे और इसके अंदर हम कचरा देखेंगे। फिंगर की मदद से हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कुछ कचरा फंसा हुआ है, जो भी हम इसको बाहर निकालेंगे। तो मुझे फील तो हो रहा है अंदर इसमें कचरा, तो ये इसमें से धागा निकला है। फिंगर से हम इसको अच्छी तरह चेक करेंगे कि इसमें और कचरा तो नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक वायर का पीस भी निकला है इसमें से, जो इसके अंदर फंसा हुआ था। तो ये कचरा आप देख सकते हैं कि ये निकला है इसके अंदर से। तो हमारा फॉल्ट जो है कि अब वो ठीक हो चुका है। तो अगर आपकी भी मशीन में ये फॉल्ट आ रहा है, अगर आप पानी भरते हैं और वो ड्रेनिंग पाइप से निकलता है, तो आप इस तरह से इसका ये वॉल्व चेक करके ये फॉल्ट दूर कर सकते हैं। जो ये साइड में पाइप आ रहा है, ये वाला, ये ओवरफ्लो का है। अगर हमारी मशीन ज़्यादा भर जाती है तो इससे हमारा पानी डायरेक्ट निकल जाता है। और ये जो दूसरा पाइप आ रहा है, ये हमारे ड्रम से कनेक्ट होता है, जो कि वॉल्व की मदद से ये रिलीज़ होता है और पानी को स्टोर करता है। जो इसका रबड़ है वो भी हम इसको धो लेंगे अच्छी तरह। तो ये हमने वॉश कर लिया और हमारा जो रबड़ है इसका वो भी क्लीन हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।